आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो कोलेस्ट्रॉम है, जो कि एक येलोइश फ्लूइड होता है, जो मदर्स से सिक्रीट होता है, कब? ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। जब लैक्टेशन के शुरुआत के दिन होते हैं तब ये मदर सिक्रीट करती हैं। तो इनका क्या रोल है हमारे न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी में? क्या वो फैक्टर है जो इनके अंदर होता है जो कि हमारे न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी देती है? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे? सबसे पहला ऑप्शन है मैक्रोफाजिस, दूसरा है इम्यूनोग्लोबिन ए, तीसरा ऑप्शन है हमारा नेचुरल किलर सेल्स और फोर्थ है मोनोसाइट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मैक्रोफेज क्या होते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद को एनगल्फ करते हैं, ठीक है, एनगल्फ करते हैं खुद को, तो उस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड है इम्यूनोग्लोबिन ए, ये क्या है? ये एक हमारा एंटीबॉडी है जो कि हमारे इन्फेंट्स की बॉडी में क्या करती है, पैसिव इम्यूनिटी देती है। न्यूबॉर्न्स को क्या करती है? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के हमारे सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं और ये क्या देते हैं हमें? इननेट इम्यूनिटी, मतलब ये पहले से ही हमारी बॉडी में होते हैं। और मोनोसाइट ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ये हमारे एक टाइप के ल्यूकोसाइट हैं जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारे तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ये जो है इम्यूनोग्लोबिन ए, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये क्या करता है? पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी कैसे? क्योंकि ये मदर से बच्चे को मिल रही है, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।